ये अदृश्य हो जाते हैं और फिर प्रकट हो जाते हैं, आप ये शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडी? अच्छा ठीक। नमस्कार साथियों, एक बहुत दुखद घटना हुई 22 फरवरी को दादरा नगर हवेली के 7 बार के सांसद मोहन भाई डेलकर, उनकी लाश मुंबई के एक होटल में प्राप्त हुई। मोहन भाई ने 10-15-16 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा और मौत के मुंह में समा गए। इस कथित नोट में उन्होंने केंद्र शासित दादरा नगर के जो प्रशासक हैं, भाजपा नेता और भाजपा के गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो कि वहां के प्रशासक हैं, और अन्य अफसरों को नामित किया है। पूर्व में भी मोहन भाई डेलकर ने संसद में भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह को और अन्य नेताओं को, अन्य मंत्रियों को लगातार कई पत्र लिखे, जिसमें श्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल द्वारा जो उनके ऊपर की जा रही प्रताड़ना थी उस ओर उनका ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की। वीडियो के माध्यम से, जो अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको, मोहन भाई ने बताया कि कैसे अलग अलग तरीके से अफसर उनके खिलाफ, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ अकारण ही कार्रवाई कर रहे थे। उनके अपने मेडिकल कॉलेज को ध्वस्त करने की कोशिश, आदिवासी भवन को गिराने की कोशिश, इनके समर्थकों की नौकरियां छीनने की कोशिश, ऐसे अनेक प्रकरण होते रहे, लगातार होते रहे। ये तमाम जो प्रताड़नाएं थी वो प्रशासक श्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के कथित इशारे पर मोहन भाई पिछले 1.5 सालों से, जब से वो 2019 का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से जीते, तब से वो झेल रहे थे। प्रताड़ना का यह सिलसिला 2019 में शुरू हुआ, यह दर्शाता है कि किस तरह की राजनीतिक संस्कृति इस देश में फैलाई जा रही है। आप जब चुनाव हार जाते हो तो जीतने वाले को साम, दाम, दंड, भेद आदि से तोड़ने का शर्मनाक प्रयास करते हो, और एक बार नहीं अनेक बार आप ऐसा करते हुए पिछले कई सालों में पकड़े भी गए हो। केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ छोड़ देना, राज्यपालों, उपराज्यपालों, प्रशासकों द्वारा चुनी हुई सरकारों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को बाधित करना, आपने देखा पुडुचेरी में इन्होंने क्या किया, पिछले 4 साल से लगातार क्या करते रहे, उन्हें परेशान करना, संविधान की, नियम कानून की यूं धज्जियां उड़ाते रहना, मोदी जी व अमित शाह साहब का राजनीति में एक संगठित अपराधीकरण की नई परंपराएं डालने का एक ट्रेंड दिखता है, एक रुख दिखता है। यह जो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं, यह एक वक्त में हिम्मतनगर से विधायक रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, और जब आपराधिक मामलों के चलते श्री अमित शाह को 2010 में बतौर गुजरात के गृह मंत्री इस्तीफा देना पड़ा था, तब इन्हीं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का गृह राज्य मंत्री बनाया था। उसके बाद प्रफुल्ल खोड़ा पटेल विधानसभा चुनाव हार गए और 2016 में उन्हें दमनदीव व दादरा नगर हवेली का प्रशासक नियुक्त किया गया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी नरेंद्र मोदी जी की, यूं ही मोदी जी सारी परंपराएं तोड़ते हुए जिस पद पर एक आईएएस अफसर को बैठाना था वहां आपने एक राजनीतिक व्यक्ति को बैठाया, और ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जो खुद बगल के गुजरात से आता हो, आखिर पूरा देश यह जानना चाहता है कि ऐसी मजबूरी क्या रही थी नरेंद्र मोदी जी की, ऐसे कौन से राज हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के पास उस वक्त की गुजरात सरकार के, कि एक 7 बार का सांसद आपसे बार बार न्याय की भीख मांग रहा हो, संसद में खड़े होकर उसने न्याय की भीख मांगी, गुहार लगाई, आपको पत्र लिखकर उसने न्याय की भीख मांगी, आपने अनदेखा कर दिया, आपने अनसुना कर दिया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर में थक हार के उसने जान दे दी,
लेकिन समझौता करने से इनकार किया। आप जो दबाव डाल रहे थे, आपके प्रशासक जो दबाव डाल रहे थे, वो उस दबाव में नहीं आया। उसने जान भी मुंबई में जाकर देना उचित समझा और उसने कहा कि मुझे न्याय यहीं मिल सकता है, मरणोपरांत तो कम से कम न्याय मिले, वो भी उसको उम्मीद नहीं थी कि कहीं और मिल सकता था, या गुजरात में मिल सकता था, या दादरा नगर हवेली में मिल सकता था। एक आदिवासी नेता जिसने मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए ताउम्र लड़ाई लड़ी, हमारी पार्टी में भी वो थे, भारतीय जनता पार्टी में भी गए और फिर निर्दलीय जीत कराए। ऐसा किस तरह का मानसिक दबाव प्रशासक ने किसके इशारे पर उन पर डाला, यह भी पूरा देश, पूरी आदिवासी जनता जिसने उसको चुनकर भेजा मोहन भाई डेलकर को, वो सब जानना चाहते हैं। आप ये सोचिए कि एक सांसद के साथ ऐसा हुआ, 7 बार के सांसद के साथ अगर ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री के वहां गुहार लगा रहा है, गृह मंत्री के यहां गुहार लगा रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, तो आप सोचिए कि आम आदमी के साथ इस देश में क्या होगा। क्या प्रधानमंत्री अपने निजी संबंधों को, अपनी मजबूरियों को नजरअंदाज करके न्याय संगत कदम उठाएंगे? हम यह मांग करते हैं कि दादरा नगर हवेली के प्रशासक श्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को तुरंत पद मुक्त किया जाए एवं उनके खिलाफ हत्या एवं आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामला दर्ज किया जाए और इस पूरे मामले की अविलंब न्यायिक जांच हो, ताकि 7 बार के सांसद रहे वरिष्ठ आदिवासी नेता मोहन भाई डेलकर को कम से कम मरणोपरांत तो न्याय मिले। आप वीडियो दिखाएंगे अभी? तो पहले वीडियो दिखा दीजिए, फिर मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। शुरू कर दीजिए, पहले वीडियो दिखा दो, फिर वो वाला। सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे साथ साइड में स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित एवं अपमानित करने वाली अति गंभीर घटना के बारे में बोलने की अनुमति दी। महोदय, पिछले 4 महीनों में जो कोरोना महामारी का दौर था, उस समय कुछ अधिकारियों ने मुझे परेशान एवं बदनाम करने के इरादे से झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की तथा सांसद के नाते मेरी तमाम प्रवृत्तियां बाधित की गई, जिससे कोरोना जैसे महामारी में मुझे लोगों की मदद करने से रोका गया। दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश मुक्ति दिवस पर सरेआम मेरा अपमान किया गया। 35 साल से चली आ रही परंपरा को के अनुसार प्रदेश के सांसद के नाते प्रदेश की जनता को संबोधित करने के मेरे अधिकार से मुझे वंचित रखा गया। मेरे पूछे जाने पर मेरा संबोधन क्यों काट दिया गया, तब प्रदेश के उपसभा एवं सर 20 सेकंड सर, एक बहुत बहुत गंभीर मामला है सर, मुझे कंप्लीट कर दीजिए प्लीज सर। मेरे पूछे जाने पर मेरा संबोधन क्यों काट दिया गया, तब प्रदेश के उपसभा एवं कार्यक्रम के उत्तराधिकारी ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। एक के बाद एक पिछले 4 महीनों से लगातार मुझे परेशान एवं प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अधिकारी षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहे थे। महोदय, प्रशासन के कुछ अधिकारी सांसद के साथ अभद्र व्यवहार एवं उनकी अवमानना करते हैं, जिसका बड़ा उदाहरण मेरे साथ जो घटना घटी उसे प्रमाणित होता है। ऐसे अधिकारियों के व्यवहार से न केवल लोकसभा की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि लोकतंत्र के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा जाता है। ऐसी घटना को संसद अति गंभीरता से लेना होगा।